नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 17 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 621 करोड़ के 29 भवनों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन 85 करोड़ के 6 भवन का उद्घाटन किया है और 536 करोड़ के 23 भवन का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर उन्होंने पटना समाहरणालय का नया भवन बहुत सुंदर बनेगा इस बात का आश्वासन भी दिया है, जिसमें से 4 उद्यान और इसके साथ ही 3 सभा में मौजूद होंगे। वहीं दिल्ली में बन रहे बिहार सदन भवन का निर्माण अगले महीने पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। लहठी के उद्योग को वन इंडस्ट्री वन प्रोडक्ट में किया गया शामिल। शाही लीची के बाद अब लहठी भी मुजफ्फरपुर को विशिष्ट पहचान दिलाएगी, इसलिए केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से यहां के लहठी को भी शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल होने वालों को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। एमएसएमई मंत्रालय की पहल से लहठी उद्योग और कारोबार बढ़ा है, जिससे जिले के 50,000 लोगों की उम्मीद बंधी है। केंद्र का एमएसएमई और राज्य का उद्योग विभाग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल उत्पादों को आगे बढ़ाएगा। पहले से चल रहे लहठी उद्योग का विस्तार किया जाएगा। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लोन के रूप में सरकार मदद करेगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान धनबल को रोकने के लिए की स्तूप व्यू की रचना। आगामी विधानसभा चुनाव में धनबल पर लगाम लगाने की तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने सप्त व्यू की रचना की है। मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत सरकार प्रत्येक जिले में 7 स्तरों पर चुनाव खर्च पर नजर डालने वाली है और आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी तैयारी का आदेश दे दिया है। खर्च की मॉनिटरिंग के लिए 7 स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इलेक्शन एक्सपेंडिचर सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने जिलों को चुनाव आयोग योजना से अवगत कराया है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,62,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,531 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 1,62,632 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिले की बात करें तो अररिया में 72, अरवल में 24, औरंगाबाद में 28, बांका में 21, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 95, भोजपुर में 10, बक्सर में 7, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 26, गोपालगंज में 47, जमुई में 23, जहानाबाद में 8, कैमूर में 9, कटिहार में 28, खगड़िया में 12, किशनगंज में 28, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 37, मधुबनी में 71, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 69, नालंदा में 67, नवादा में 25, पटना में 215, पूर्णिया में 30, रोहतास में 33, सहरसा में 109, समस्तीपुर में 14, सारण में 57, शेखपुरा में 14, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 24, सुपौल में 63, वैशाली में 24, पश्चिम चंपारण में 28। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 24 घंटे में जारी किए गए जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1,48,257 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं अब तक 848 लोगों की जान जा चुकी है। बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन 66वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग भी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए कुल मिलाकर 562 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, जिसमें से 169 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू होने वाली और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर बताई जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक कैलेंडर के अनुसार बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा की अधिसूचना जून के अंतिम सप्ताह में जारी होने वाली थी, हालांकि इसमें फिलहाल देरी हुई है। बिहार में 3 दिनों से जारी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के विरोध पर लगा ब्रेक। बिहार में 14 सितंबर से जारी ट्रक विरोध स्थगित कर दिया गया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के साथ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के बाद बुधवार के शाम विरोध को स्थगित करने का ऐलान किया गया है। एसोसिएशन ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार को चुनाव तक का वक्त दिया है। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि विरोध को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी अधिकारियों के साथ बातचीत कर हल निकालने का आश्वासन भी दिया है और 15 दिनों का वक्त मांगा है। एसटीईटी में कॉमर्स उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए बीएसईबी में 4 सप्ताह से मांगा गया जवाब। बिहार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किए जाने के मामले को लेकर जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 4 सप्ताह के अंदर जवाब की मांग की है। साझा की गई जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने बीते दिन मोहम्मद अफरोज द्वारा जारी किए गए याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह निर्देश दिया है। आपको बता दें, राज्य के 1,000 से भी अधिक हायर सेकेंडरी स्कूल के कॉमर्स शिक्षकों के नहीं होने के कारण पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित है।
कोविड 19 प्रभावितों को सबसे अंत में मिलेगा वोट करने का मौका। बिहार में कोविड 19 के माहौल में चुनाव की विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। वोटरों को सबसे अंत में मतदान करने का मौका दिया जाएगा जो कोविड 19 से प्रभावित हो या फिर पहले से कोविड 19 की जद में आ चुके हों या ठीक होकर वापस लौट गया हो ताकि पोस्ट कोविड 19 से संक्रमण की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि जितने भी लोग संक्रमित पाए गए हैं या संक्रमण से वापस आ गए हैं उनको विधानसभावार चिन्हित किया जाएगा। इसकी जानकारी संबंधित निर्वाचन अधिकारी पदाधिकारी को दे दी गई है और उनसे अंत में वोट करवाया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रेयसी सिंह की। श्रेयसी सिंह भारतीय निशानेबाज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नाम की उपलब्धि कई बार दर्ज करवाई है। उन्होंने शूटिंग 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल वुमेन्स डबल ट्रैप और एक सिल्वर मेडल साल 2014 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए जीता है। श्रेयसी का जन्म बिहार के गिद्धौर में हुआ था। आपको बता दें श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह का राजनीति से बड़ा नाता रहा है। श्रेयसी सिंह ने साल 2013 में मेक्सिको में आयोजित ट्रैप निशानेबाजी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था जहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था जहां उन्हें 15वां स्थान मिला था। वहीं उन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था जहां वो छठे पायदान पर पहुंची थी। वहीं साल 2014 में उन्होंने सिंगल डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता था। जदयू विधायक के साथ बीते दिन हुई हाथापाई। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर तेज हो गया। वहीं विधायकों को अपने इलाके में दौरा भी तेज हो गया है। हालांकि इस बार चुनाव में विधायकों को जनता का भारी विरोध सहना पड़ रहा है। जदयू विधायक उमेश कुशवाहा को बीते दिन अपने इलाके में जनता का भारी विरोध झेलना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विधायक उमेश कुशवाहा चुनावी जमीन को भापने अपने अपने क्षेत्र में गए थे। इसी बीच लोगों ने विधायक जी का विरोध शुरू कर दिया जिसके बाद स्थानीय लोग और विधायक समर्थकों के बीच हाथापाई भी हो गई। उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस की गई कंपन। उत्तर बिहार के कई जिलों में बीते दिन सुबह कंपन महसूस की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस कंपन में जानमाल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। रिक्टर स्केल की बात करें तो इस पर तीव्रता 5.4 आंकी गई है। वहीं इसका केंद्र नेपाल के काठमांडू से 50 किलोमीटर पहले मापा गया है। वहीं इसी बीच नेपाल से आए झटके से लोग परेशान नजर आए हैं। कंपन के झटके महसूस करने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ऐसे में नेपाल में साल 2015 में आए कंपन में काफी बर्बादी हुई थी। वहीं अब एक बार फिर से वैसे ही कंपन की संभावना भी बनती देखी जा रही है क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो आसपास के इलाकों के जमीन में अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही है। आज शाम आयोजित होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई जाएगी। यह महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाली है। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को शाम 7 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसमें सभी मंत्री प्रधान सचिव शामिल होंगे। मीटिंग के लगभग एक हफ्ते के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट मीटिंग को लेकर विभिन्न विभागों के अफसरों को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी गई है। बिहार में डीएसपी का हुआ तबादला। बिहार चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों के तबादले का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में जारी किए गए खबर के अनुसार बिहार सरकार ने 2 डीएसपी का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की तरफ से डीएसपी के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। इस खबर में ट्रांसफर की सूची जारी की गई है। गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जमुई पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद यूनुस को पटना रक्षित प्रशाखा का नया डीएसपी बनाया गया है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना रक्षित प्रशाखा के पुलिस उपाधीक्षक आशीष कुमार सिंह को जमुई पुलिस का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के तर्ज पर बीसीए करेगा हर साल खेल सत्र में अपने खिलाड़ियों का निबंधन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव कुमार अरविंद ने बीते दिन बताया है कि बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के आदेशानुसार बीसीसीआई के तर्ज पर अब बीसीए भी अपने संबंधित जिला संघों से चयनित विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों को हर बार से खेल सत्र में निबंधन करेगा। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण पोर्टल बना दिया गया और सभी जिला क्रिकेट संघ से ईमेल पर पंजीकरण पोर्टल को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है जिस पर बीसीसीआई के तर्ज पर बीसीए हर साल खेल सत्र में अपने खिलाड़ियों का निबंधन करवाएगा। विश्वकर्मा पूजा का अपना ही है खास महत्व। आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा की देवताओं का इंजीनियर माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के देवता होते हैं। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तारीख को भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस मनाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर मशीन औजार दुकान की विधिवत पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उद्योगपति यदि विश्वकर्मा पूजा करते हैं तो उनकी उन्नति और प्रगति होती है और वो आर्थिक रूप से भी मजबूत बने रहते हैं और तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है।
पिता की याद में दीपक झा 17 साल से लगा रहे हैं पौधे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व काफी अहम माना जाता है। पितृपक्ष में सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों को याद कर उनको इस महीने में तर्पण देते हैं और भागलपुर के दीपक झा ने अपने पिता की याद में 17 साल में 255 पौधे का पौधारोपण की शुरुआत करके अपने पिता को अनोखी श्रद्धांजलि दी है। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान दीपक झा ने बताया कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इस पितृपक्ष की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को दिया गया भोजन और तर्पण उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। इस महीने हम तर्पण के साथ साथ अपने पूर्वजों की याद में पौधा भी लगाते हैं जिससे कि आने वाले पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिल सके, क्योंकि मेरे पिताजी खुद भी पर्यावरण को लेकर काफी ज्यादा सजग थे। तेजस्वी यादव के बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर 5 लाख युवाओं ने डाला बायोडाटा। आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लेते हैं। 9 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की थी जिसमें बेरोजगार नौजवानों से अपना बायोडाटा डालने की मांग की थी। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने इस मुहिम की शुरुआत की थी और अब राजद का दावा है कि इस पोर्टल पर 9 दिन में 5 लाख से ज्यादा बिहार के बेरोजगार युवाओं ने डिजिटल डेटा डाला है। संख्या धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने वाली है। पप्पू यादव ने की बिहार को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव को आगे आने की अपील। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिलने पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा के साजिशों का जवाब अब जन अधिकार पार्टी की कैची देगी। वहीं उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बिहार को बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नए चुनाव चिन्ह कैची से हर हाथ को काम मिलेगा और गलत काम करने वालों का खात्मा होगा। आपको बता दें पप्पू यादव ने उक्त बातें पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। बिहार में बेरोजगारी और रोजगार पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछे सवाल। बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव सरकार को एक बार फिर से निशाने पर ले रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने सरकार से इस बार कुल मिलाकर 17 सवाल पूछे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अपना चेहरा नहीं छुपाए, राज्य के 7 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे सवालों का जवाब दे, रोजगार युवाओं के भविष्य से संबंधित सवालों का जवाब जरूर दे, जिसके तहत उन्होंने पूछा है कि बिहार में अधिक बेरोजगारी क्यों है। 15 साल की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, बिहार में आईटी पार्क क्यों नहीं बनाया जा सका, दूसरे प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश से मछली बिहार क्यों खरीद रहा है। 15 साल के नीतीश सरकार बताए कि बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाया गया है, बिहार में सरकार ने पर्यटन अब तक बढ़ावा क्यों नहीं दिया है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव के संपत्ति का फिर उठाया मुद्दा। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके 2005 के पहले की सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि साल 2005 से पहले बिहार के लोग अच्छी सड़क, अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल और बिजली पानी के लिए दुख झेलते रहे हैं, जबकि इस योजनाओं का पैसा घोटालों में गया है और इसमें चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव और अलकतरा घोटाले में इलियास हुसैन सलाखों के पीछे हैं। इसी दौरान कितने घोटालेबाजी हुई है इसकी पूरी जानकारी सभी को है। उन्होंने आगे लिखा कि तेजस्वी यादव बेरोजगारी, आईटी पार्क, कल कारखाने आदि का जो भी सवाल एनडीए सरकार से पूछ रहे हैं वो सवाल अपने माता पिता से पूछना चाहिए जिनके कारण बिहार खोखला हो चुका है। बिहार में प्रधानमंत्री के पक्ष में चुनावी घोषणा से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में कोई राशि नहीं मिलने की कही गई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में पैकेज पर पैकेज जारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री के पैकेज पर बड़ा निशाना साधा है, जिसके तहत कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल की माने तो RTI के मुताबिक बिहार में प्रधानमंत्री के पिछले कुछ चुनावी घोषणा में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में 1 रुपया भी नहीं मिला है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वर्ल्ड रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में समस्तीपुर जिले के कार्यकर्ताओं और कांग्रेसजनों के साथ राष्ट्रीय नेताओं ने अपने पटना पर इस मंच से प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने वर्चुअल संवाद स्थापित किया था। चुनाव को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने किया संगठन का विस्तार। चुनाव को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अब अपने संगठन का विस्तार किया है, जिसमें 8 नए नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, जिसके तहत पूर्व विधायक ज्योति देवी को हम महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को बिहार प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, सिद्दीकी युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं रंजीत चंद्रवंशी को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही शंकर मांझी को विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर सुधीर चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं इंजीनियर देवेंद्र मांझी को सूचना एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही राजेश वर्मा को अनुसूचित जाति जनजाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित किया गया है।
पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से सरकार को लिया निशाने पर। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश के प्रयासों से बिहार का ये हाल हुआ है, बाकी जो बचा है वो छठी मैया के आशीर्वाद से छठ तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से राजद को वोट दीजिए और 5 साल और भोंकार पार कर रही है। सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा है कि गंदा पानी से गंदा पानी साफ नहीं होता, उसके लिए साफ पानी चाहिए। मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, जिनके पास जान गंवाने वालों का आंकड़ा तक नहीं है, वो चले हैं बिहार को इंसाफ दिलाने और उसकी सफाई करने। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग की मेजबानी के लिए तैयार हुआ UAE। IPL के पहले संस्करण का आगाज 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से आबूधाबी में होने जा रहा है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग IPL के शुरुआत के लिए UAE पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आपको बता दें, सीजन में IPL के लीग राउंड के मुकाबले दुबई और आबूधाबी में खेले जाएंगे। हालांकि प्लेऑफ और फाइनल कहां होगा इसका फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। इसके साथ ही BCCI ने अभी कुछ ही मैचों का शेड्यूल जारी किया है। वहीं शुरू होने से पहले दुबई और आबूधाबी के स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनी में नजर आ रहे हैं। BCCI के सचिव जय शाह ने स्टेडियम की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी। YouTube ने लॉन्च किया TikTok जैसा शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप। TikTok के जाने के बाद से लगातार यूजर्स के लौटने की कामना कर रहे थे। वहीं इसी बीच यूजर को TikTok की सुविधा मुहैया करवाने के लिए YouTube ने हाल ही में शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप लॉन्च किया है। मिली जानकारी के अनुसार Google के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म YouTube में TikTok की तरह शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। YouTube ने शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे वीडियोज बनाए जा सकेंगे, साथ ही इनकी एडिटिंग करके यूट्यूब के लाइसेंस वाले गानों को जोड़ा जा सकेगा। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही Facebook की फोटो शेयरिंग ऐप Instagram ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इंस्टा रील्स की शुरुआत की थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है राजा भैया, नीतीश कुमार, नूतन सिंह, समथिंग स्पेशल, लालू कुमार, पप्पू पासवान, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी पति, रीवा कुमारी, प्रहलाद सिंह, गुंजन पटेल, निराला मोहन, रामदास सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, लाल सिंह राजपूत। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपका सबसे पसंदीदा IPL टीम कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।